नमस्कार दोस्तों, आरबीएम न्यूज़ इंडिया के शो खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मुंबई से निर्माता, निर्देशक और बाबा बड़वाग सिंह रूहानी मिशन के अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह बेदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जी। जय बाबा जी। बेदी साहब, जो बाबा बड़वाग सिंह मिशन का जो आप होला मोहल्ला बनाते हैं, तो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे ये प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या विशेषताएं होती हैं इसमें? होला मोहल्ला जो हम मनाते हैं, होलियों में ये विशेष तौर पे मनाया जाता है। 10 दिन का जो है बाबा बड़वाग सिंह सोढ़ी जी जो हैं, जिनके दरबार में ये मेला लगता है। आपको अनंतपुर के बारे में भी पता होगा, वहाँ पे भी होला मोहल्ला बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। तो बाबा बड़वाग सिंह जी की जो संगत है वो 10 दिनों के लिए वहाँ पे आती हैं और बाबा जी से अपनी जो मुरादें हैं वो मांगने के लिए लोग आते हैं। बहुत ही विशेष दिन होता है और बहुत ही जो संगत जो है वो पूरे हिंदुस्तान से आती है। करीब करीब 1 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो बाबा बड़वाग सिंह सोढ़ी जी के दरबार में हिमाचल प्रदेश मेढ़ी में, जहाँ पे बाबा जी का एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में गुरुद्वारा है, उसमें संगतें आती हैं और अपने जो ये हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आती हैं। बेदी जी, आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को कि बाबा बड़वाग सिंह सोढ़ी जी का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा है हिंदुस्तान में जो कि और कहीं पे नहीं है, तो इस गुरुद्वारे में क्या विशेषताएं हैं, कहां कहां से लोग चल के आते हैं और कैसे उनकी जो मन्नतें हैं, मुरादें हैं वो पूरी होती हैं? बाबा बड़वाग सिंह जी सोढ़ी जी जो हैं वो गुरु अर्जुन देव जी की 8वीं पीढ़ी हैं और बाबा बड़वाग सिंह सोढ़ी जी जिस टाइम पे, जिस वक्त पे मुग़लों से उनका ये हुआ था, युद्ध हुए, और उस समय जो उनके जो परिवार हैं जो युद्ध में शहीद हुए थे, उनके परिवारों की सेवा और संभाल के लिए वो जो है जिस जगह पे अभी हिमाचल है, किसी ज़माने में वो पंजाब का एक हिस्सा हुआ करता था, ऊना उस समय पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, तो उस समय वो शिवालिक की पहाड़ियाँ जिसे उस समय उसके नाम से जाना जाता था, उस जगह पे बाबा बड़वाग सिंह जी सोढ़ी ने डेरा लगाया और जहाँ पे मुग़लों का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था या पहुँच नहीं थी, तो उन्हें एकांतवास में ऐसी जगह पे उनके परिवारों को जिनको मुग़लों से खतरा था उनको वो लेकर वहाँ पे उन्होंने बसाया। उसके अलावा बाबा बड़वाग सिंह जी सोढ़ी जी जो है उन्होंने खुद भी कई युद्ध लड़े और गंगसर का जो गुरुद्वारा है उसकी रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया और थम्सअप के लिए। उसके अलावा बाबा बड़वाग सिंह सोढ़ी जी जो हैं उन्होंने वहाँ पे जिस जगह पे वो स्थान है, डेरा है, वहाँ पे 18 वर्षों तक जो है वो तपस्या की है, इसलिए वहाँ का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है और वहाँ संगतें जाती हैं मन की मुरादें पूरी करने के लिए। वहाँ पे लोगों को ऐसा, लोगों का विश्वास है कि यहाँ से जो भी मांगा जाए वो उन्हें मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब होली का जो पर्व होता है वो 10 दिनों तक मनाते हैं, वहाँ पर निशान सब चढ़ाया जाता है। उसके अलावा वहाँ पे एक बहुत ही विशेष चीज़ होती है, जो 10वां दिन होता है वहाँ पे बाबा जी का जो प्रसाद बना के वो लोग रखते हैं, अरदास करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो प्रसाद है उस पे पंजे के निशान जब वो देखते हैं कि प्रसाद जब वितरित होता है तो पंजे का जो निशान है वो उसके निशान उस पर मिलते हैं। लोगों की ये आस्था है और लोगों का बहुत विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, जिसके लिए लोग वहाँ जाते हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए जाते हैं, खासकर अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने कई बीमारियों का वहाँ पे बाबा जी के यहाँ पे निदान होता है, तो बाबा जी जो है सबको बख्शिश करते हैं, उन पे कृपा करते हैं और लोगों की बड़ी आस्था है, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। बेदी जी, जैसे कि आपने बताया कि एकमात्र गुरुद्वारा है और अर्जुन देव जी की 8वीं पीढ़ी
से इनका वास्ता है, और बहुत ही मतलब लोगों की उनकी जो इच्छाएं हैं, जैसे बच्चा उनको नहीं होता तो वहां जाके मन्नत मांगते, उनको बच्चे भी मिलता है बाबा जी की तरह से, सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी तरह की, बच्चों के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए, किसी को रोजी रोजगार चाहिए, किसी की और भी कोई दिक्कत है या परेशानी है, या किसी भी तरह से हम हर जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो बाबा जी की जो संगत है वो बाबा जी से ये जब वो वहाँ जाते हैं तो अपनी जो इच्छाएं, जो मुरादें या जो उनको उम्मीदें होती हैं वो उनसे वो पूरी करवाते हैं। जी जी बेदी जी, जैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वक्त ये प्रोग्राम, उनके भी मन में होगा कि वो भी अपनी झोलियां भरें, अपना वहाँ पे जाएं और अपनी मुरादें मांगें, तो आप थोड़ा दर्शकों को थोड़ा क्लियर करें कि ये उनका प्रॉपर एड्रेस जो है अपने गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है, और जो आपकी तरफ से होला मोहल्ला मनाया जाता है वो उसमें कैसे शिरकत कर सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं? होला मोहल्ला जो है वो हम नहीं मनाते हैं, पूरा हिंदुस्तान मनाता है, और वो गुरुद्वारा जो बाबा बटपाक सिंह डेरा है वो पूरा ऑर्गेनाइज करता है। हम मुंबई की संगत जो है वहाँ पे उसमें शामिल होते हैं, उसके अलावा वहाँ पहुँचने के लिए एकमात्र जो ये है वहाँ पे बस अड्डा है अम्ब में, मेड़ी गांव है छोटा सा, तो वहाँ पे आप ऊना से भी नज़दीक है वहाँ जा सकते हैं, दिल्ली से ट्रेनें हैं, रेलवे स्टेशन है तो आप रेलवे से जा सकते हैं, जो लोग फ्लाइट से जाते हैं वो चंडीगढ़ उतर सकते हैं, तो सभी तरह की व्यवस्थाएँ हैं, और ऊपर तक जाने के लिए छोटी बसेस मिलती हैं, सारी सुविधाएं जो है उस जगह पे ख़ास तौर पे की जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से 40,000 जो है वो सुरक्षा बल प्रदान किए जाते हैं, और रोड रास्ते पानी की व्यवस्थाएं जो है वो की जाती हैं, तो 40,000 अगर गवर्नमेंट अपना जो है विभाग जो है वो अपना सिक्योरिटी देता है तो 1 करोड़ आदमी जो है वो वहाँ पर आता है और अपनी जो है इच्छाओं की पूर्ति के लिए। बेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपसे रूबरू होकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा।